नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बौद्ध डिस्टिलरी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। धीरज साहू का परिवार शराब व्यवसाय से जुड़ा है। उनकी ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। संयुक्त परिवार के सहयोग से यह कारोबार चलता है। आपको बता दें झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड जारी है। इस रेड में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा नगद कैश बरामद किया जा चुका है। ये छापेमारी उड़ीसा और झारखंड में कांग्रेस नेता के ठिकानों पर हो रही है। बुधवार से शुरू हुई छापेमारी भी जारी है। इतनी बड़ी संख्या में नोट मिलने की वजह से इनकी गिनती के लिए आयकर विभाग द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। आपको बता दें आयकर विभाग ने ओडिशा के बोलनगीर और संबलपुर में झारखंड में धीरज साहू के पैतृक आवास पर रेड डाली है। झारखंड में रांची और लोहरदगा स्थित प्रतिष्ठानों में भी छापेमारी की जा रही है। अब तक इस रेड में 100 करोड़ से ज्यादा की नगद कैश मिल चुके हैं। नगद कैश मिलने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें आप अलमीरा में नोटों की गड्डियां देख सकते हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ट्वीट कर कहा है, जब कांग्रेस के एक सांसद के यहां से इतना नगद कैश बरामद हुआ तो 70 सालों में पार्टी ने देश को कितना खोखला किया है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। हम जब हेमंत सरकार में हो रहे हजारों करोड़ों के घोटाले की बात करते हैं तो वह महज आंकड़ा ही नहीं हकीकत होता है। इसका छोटा उदाहरण एक फिर सामने आ रहा है। ऐसे ही खबरों से जुड़े जानकारी के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट पे। धन्यवाद।